सुन लो, राजा सिंह किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अरे हिंदू हूं, हिंदुत की बात करता हूं। अरे तुम्हारी गांड में दम है तो जाओ उन दो कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूं। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको, तुमने उसको नहीं रोका, तुमने पुलिस प्रोटेक्शन उस हरामी को दिया। अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है, अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। तुम्हारा राजनीति करियर खत्म हो जाएगा, हिंदू के प्रति बात करना बंद कर दो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूं, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूं मैं, हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा, तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूं इस राजनीति को, जहां पर हिंदू के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने। अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने, मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे, क्या तुम रोकोगे उन लौ जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लौ जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लौ जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम FIR करते हो मेरे खिलाफ? अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कईयों साधु संतों ने, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोली खाई, अगर उनके बारे में मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूँ तो तुम केस बुक करते हो मेरे ऊपर? अरे गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, अगर गौ हत्या के खिलाफ मैं बात करता हूँ तो मेरे ऊपर FIR करते हो? से जेल से बाहर आया, आप विश्वास नहीं करोगे, FIR पे FIR मेरे ऊपर बुक की जा रही है, केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, पता नहीं मैं कब आऊंगा। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, बहुत सह चुके अब हम नहीं सहेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज आप सबको उठाना है मेरे भाइयों। अरे 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए।
हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज काहे रे ऊपर अरे मादर चोदो, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं तो आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी उठा ले मेरे बेटे को, अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आग उठा कर देखेगा इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली उठेगी उसका हाथ उसका नाम और निशान खत्म कर दूंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह हो, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार निछावर कर दिया। मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे परिवार का निछावर कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं बच गया तो सालों तुम नहीं बचोगे। अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा, तो सबसे पहले तुमको मुझे मारना होगा। उसके